और ये लाउंज चेयर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में असेंबल हुई है। अरे यार कितनी क्यूट लग रहे बेबी, तीनों के तीनों। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि संभावना भी नहा रही है। और मैं गया था नीचे, गाड़ी में जितना भी सामान पड़ा था जो हम लोग आईकिया से लाए थे वो उठा के लाने, बहुत सारा सामान था, मुझे गार्ड्स की हेल्प भी लेनी पड़ी। और हमारे जो टेक्नीशियन है जो भी उसको असेंबल करेंगे सारे सामान को, वो भी आ चुके हैं, सारा सामान पड़ा हुआ है, संभावना निकल के असेंबल करवाएगी, तब तक मैं जाऊँगा नहाने के लिए। ये आप लोग देख लो, ये पूरा सामान है, अभी एक एक करके आपको संभावना दिखाएगी भी कि कैसे कैसे सारा असेंबल होगा। ये मेरी चेयर है, कोको चलो अंदर, चलो बेटा चलो 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 अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अब थोड़ी देर में संभावना कंटिन्यू करेगी ब्लॉग, मैं जाऊंगा नहाने और आज आप लोगों को दिखाएंगे सारी चीजें जो जो हम लोग वहाँ से लाए। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज रहे हैं, ओ एक सेकंड, बज रहे हैं 10:45 और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और यहाँ पर चल रहा है ये वाला काम जो सामान आया है। बेबी तुमने गुड मॉर्निंग करा सबको? बोल दिया। ओ तुमने बोल दिया है, अच्छा अभी ये करवा लेते हैं, चलो शुरू करते हैं। अरे ये भी सामान है क्या? ये भी सामान है। तो ये काफी सारा सामान है जो अभी हमें लगवाना है घर पे और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि क्या क्या सामान आया है। बहुत मजेदार, बहुत अच्छी चीजें आई है, मतलब जितना खर्चा हुआ है वो रीजनेबल है मेरे हिसाब से। लाउंज चेयर आ गई है, बहुत कुछ सामान आया हुआ है यार। मैं मतलब मोटा मोटा तो अभी आपको दिखाई देंगे लेकिन जो छोटा छोटा है वो मैं आपको आराम से दिखाती हूँ, ठीक है? चाय पियोगे बेबी? चाय चाहिए? चाय लो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज ऐसे फर्नीचर वाले काम के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे इतना पसंद आया ना आईकिया का सामान, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना एक्साइटेड हूँ अपनी चेयर के लिए, वो कॉफी चेयर लगाने के लिए जो कॉफी एरिया में आएगी। फर्स्ट टाइम है कि कल अविनाश ने कोई क्रिब नहीं किया शॉपिंग करते वक्त, क्योंकि इसका भी सामान आ रहा था ना, तो बहुत मजे से शॉपिंग कर रहा था ये। अब मुझे बस एक स्टडी टेबल और चाहिए। स्टडी टेबल अब तो हमें पता लग गया, तो नाप लेके वी कैन अगेन गो टू आईकिया, प्लान करेंगे। बट आईकिया में यार व्हेनेवर यू गो, मैं अगेन बता रही हूँ कि पूरा दिन लेके जाओ, पूरा दिन हमारा सामान कम्प्लीट नहीं हुआ देखना। खाना 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 तो वहीं पे खाना भाई, हम लोग तो नहीं खा पाए खाना। स्पेशली अभी आपको बोल रही हूँ, जो जो आईकिया जाए मेरे को मैसेज जरूर करना, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमने वहाँ का खाना खाया, बिकॉज खाना लुक्ड ऑसम। कमेंट बॉक्स में बोला मैंने, कमेंट बॉक्स पे। तो अभी बनेगी थोड़ी सी चाय, सो सामान लगाने वाले आए हुए हैं उसको लगाएंगे, तब तक जब तक नहीं शुरू होता एटलीस्ट एक एक चाय हो जाए फटाक से। कहाँ है चाय? अंदर दीदी रूम की सफाई कर रही है तो मैं ही बना लेती हूँ चाय। फेवरेट कलर, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कलर। ये हटा दूं? रुपीस सामान निकाल। तो सबसे पहले लाउंज चेयर ही कलर तो यहाँ पे जमेगा ये। मेरे को पता है, तभी तो ये लाइट कलर लिया मैंने, डार्क नहीं लिया, बहुत डार्क फिर रूम को छोटा कर देता है ना। वहाँ आईकिया में तो कह रहे थे कि भाई यू कैन डू इट योरसेल्फ, ये कर सकते हैं। ये तो देख के लग नहीं रहा कि कर पाएंगे, नहीं कर लेंगे, मतलब लेकिन उसके लिए वो चाहिए होगा ना आपको थोड़ा, बस थोड़ा सा टूल्स चाहिए और टूल्स चाहिए, करेक्ट। हाँ टूल्स चाहिए, आप कर लेंगे क्योंकि मैनुअल वगैरह रहता है सर इसके साथ में। अच्छा, उसमें लिखा होता है कि कैसे करना है। तो जब तक हमारी लाउंज चेयर असेंबल होती है तब तक हम देख लेते हैं कि चाय कहाँ तक पहुँची। और बेबी देखो साइड पे कौन बैठा है, जैसे किचन में आई हूं। चिट्टी रोबोट लक्की चाम। लेकिन ये चाय के लिए क्यों आई है? चाय बन रही है ना, रेसिपी थोड़ी बन रही है। तुमने भी तो किचन में आना बंद कर दिया ना, तो उसने भी बंद कर दिया। किचन में मुझे आए हुए कितना टाइम हो गया, मतलब आती नहीं होगी किचन में, जरूरत ही नहीं है। और ये लाउंज चेयर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में असेंबल हुई है, सिर्फ 5 मिनट। कैसी लग रही है बेबी? आउटस्टैंडिंग। सो एक्साइटेड, इट्स सो कंफर्टेबल। चाय में इधर ही पीऊंगी। साइड में कैंडी के लिए भी जगह है बैठने के लिए। ये तो तुम्हें नहीं पता था ना? हाँ। ये मैं लेके आई थी। ये क्या है? देखो ना, मिला ट्रॉली, सर्विंग ट्रॉली। ट्रॉली है? हाँ। तो बेशक उसको आप सर्विंग ट्रॉली बना दो या फिर आप उसको मेरा जो बाहर वो लगा हुआ है ना रेड वाला लाउंज चेयर
उसके बाजू में रख दो उसको सजा के। अरे यार इसकी जरूरत नहीं थी आई थिंक, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी तो सामान। कौन कौन बैठेगा भाई ऊपर? ऊपर पहले चिट्टी बैठेगी क्या? नहीं मैं चेरू को बिठाऊंगी पहले। चेरू पहले चेयर बैठेगा। चेरू कैसा लग रहा है लाउंज चेयर पे? आप साफ करेगा चेरू पहले अपनी। इसके ऊपर एक कुशन बहुत अच्छा लग रहा है येलो वाला, पता वेरी सूदिंग। बस उसको उतार दो अब गिर जाएगा वो। अरे यार कितनी क्यूट लग रहे बेबी, तीनों के तीनों। चेरी पूरा सेट हुई है अच्छी तरह से। चेरी को पहले मिल गई ना जगह फैलने के लिए। अब मेरे को बैठना है, मैं कैसे बैठूं? मम्मा चेरी तो कंफर्टेबल हो गई है। चेरी को नहीं उतरना, उसको मजा आ रहा है। देखो उसने हेड भी अपना हेडरेस्ट ले लिया। मुझे पता है उसको पसंद आ गई है। अब वो रिक्लाइनर बाहर हो गया ना, वो रिक्लाइनर पे बैठती थी ना अंदर, अब वो इस पे बैठेगी। और इसकी हाइट भी कम है, इस पे तो कैंडी बैठ जाएगी चढ़ के। हाँ तो अभी ये रेडी हो रही है, जो संभावना ट्रॉली लेके आई है। कौन सी ट्रॉली बोलते हैं? हाँ जी सर्विंग ट्रॉली, जो लास्ट टाइम मैं उठा के लाई ना, मैं तो मैं बोल रही थी कि यार मुझे लेना था, मैंने लिया नहीं। हाँ मल्टीपर्पस है, काफी अलग अलग चीजों में काम आ जाती है। भैया आपके हिसाब से लोग काम पे यूज करते हैं इसको? किचन में यूज करते हैं, मल्टीपर्पस है। मतलब जैसे किचन से खाना वाना लेके आना पड़ा हॉल में, या चाय कॉफी वगैरह आपके। इसको कैसे सेट हुई है? उसको बहुत मजा आया भाई, उसको मिली है फेवरेट चेयर उसकी। अच्छा तुम इधर आ जाओ, ऐसे नहीं कर सकती मैं उसके साथ। पहली बार ही किसी चेयर पे फिट आई है ना। हाँ। मोटी है ना, इसमें फिट आई है। आंदो आंदो हवा भी आ रही है उसके सामने से। तो जी हमारी ये दूसरी ट्रॉली भी रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये दो चीजें तो तैयार हो गई। ये देख लो बेबी तुम्हारी चेयर रेडी हो गई। अरे वाह, ये देखो नाइस भाई साहब, जन्नत है इसे। है दर्द वालों के लिए तो जन्नत है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है जो तुम्हें चाहिए थी। पहले मैं एक चेयर ले रहा था जो कि हमने बिलिंग तक करा ली थी उसकी। हाँ। बाद में मुझे रियलाइज हुआ उसके नीचे रोलर्स नहीं थे। हाँ। तो अगर इस कुर्सी को अंदर से बाहर करना हो तो संभावना ने कहा कि हाँ ठीक है ना, लेकिन कमर दर्द के लिए आप चेयर ले रहे हो और आपको उसको उठाना पड़ रहा है बार बार, तो कमर तो जाएगी ना। हाँ करेक्ट है। और बेबी ये देखो, अरे यार लाइक्ड इट, लवली। ये यहाँ के लिए, यहाँ यहाँ पे रखूंगी मैं, क्योंकि कभी कोई आता है ना तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चेयर होनी चाहिए। ब्यूटीफुल है ना। एंड सी दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस यार। ओ हो, आई एम इन लव विद ऑल द फर्नीचर दैट वी परचेज्ड। हाय बेबी तो बड़ी कंफर्टेबल है। कोको फुत्ती फुत्ती खा रहा है, मैं कोको फुत्ती फुत्ती खा रहा है, काले मेरा बच्चा। ये मैंने अपने कॉफी के लिए कॉफी चेयर भी ले लिया है पूरा, और ये अभी असेंबल हो रहा है। तो जैसे ही लगता है मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग बहुत चाहते थे ना कि ये कॉफी के लिए यहाँ पर स्टूल हो, आ गया। अच्छी अच्छी शॉपिंग करी हमने। लो जी ये मेरी कॉफी चेयर रेडी हो गई, लवली। बेबी ये देखो, अरे वाह अच्छी लग रही है, बहुत शानदार। अब मास्क तो उतार लो, मास्क क्यों पहना हुआ है? अभी क्या लगा रहे हो आप? अच्छा वो वाला। ये सारा सामान असेंबल हो चुका है, हमारे जो टेक्नीशियन है वो जा चुके हैं। अब हम एक एक सामान को एक एक जगह लगाएंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे अभी किससे?